नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि मित्र इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम शुरू करेंगे किसान कल्याणकारी योजनाओं की सीरीज। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो इस योजना से किसानों को क्या लाभ होगा, किन किन किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करें, इन सारे विषयों में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक कृषि मित्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। 14 फरवरी 2019 को गोरखपुर में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी, लेकिन उससे पूर्व 1 फरवरी 2019 को मंत्री पीयूष गोयल जी ने इस योजना की पार्लियामेंट में पेशकश की थी। पर ये जो पहल है इस योजना की, वह तेलंगाना सरकार द्वारा की गई थी और यह निधि समर्थन योजना जो है इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी काफ़ी सराहना की थी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग अवार्ड्स इसे मिले थे। तो उसी से प्रेरणा लेकर केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जब किसान के पास ऑफ सीजन में पैसे की कमतरता होती है, उस दौरान उसे समर्थन मूल्य देकर सामंतों से और कर्ज देने वाले लोगों से दूर रखा जाए, ताकि वह अपनी मनमानी दर से किसान को कर्जा देकर उसे कर्जे की गर्त में ना धकेले, इसलिए यह योजना की शुरुआत की गई है। पहले इस योजना के लाभार्थी वही किसान हो सकते थे जिनके पास 2 या 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, यानी कि 5 एकड़ से कम वाला। लेकिन 2020 में एक अप्रैल 2020 में यह घोषणा कर दी गई थी कि सारे जो किसान भाई है वो सारे ही इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी वर्तमान में 14.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। तो इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो प्रतिवर्ष किसानों के खातों में 75,000 करोड़ रुपए की राशि डाली जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी एवं एलिजिबल किसान हैं उनके खाते में 6,000 रुपये 2,000 की 3 किश्तों के द्वारा सीधे खाते में जमा होते हैं। तो ज़्यादातर किसान इससे पहले ही जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ किसान अभी भी बाकी है जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े। तो इस योजना के लिए आप किस प्रकार आवेदन करोगे वो आवेदन करने की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे आसान प्रक्रिया एक ये हो सकती है कि आप आपके नज़दीकी CSC सेंटर को पर जाए और वहाँ से आवेदन करवाए, और कुछ आवेदन फीस लगती है वह जमा करवा के आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। या फिर अगर आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो भारत सरकार की एक वेबसाइट है pmkisan.government.in, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वेबसाइट पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर उस वेबसाइट का व्यू भी दे के रखा है, तो आप उस वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। इस प्रकार का फॉर्मेट आपको आपके सामने खुल चुका होगा। तो इसमें जो डिटेल्स है जैसे कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य, इन चीज़ों को आप भर दीजिए आपके हिसाब से। और जो आपको इमेज में कैपेचा दिख रहा होगा उसको आप फिल करके सेंड OTP कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप मोबाइल नंबर डालोगे तो वही नंबर रखना जो आपके पास अभी चालू स्थिति में होगा, क्योंकि उस पर OTP आएगा जिसके द्वारा आप प्रक्रिया पूर्ण कर पाओगे। इस प्रकार आवेदन पूर्ण करने के बाद आपका आवेदन सत्यापन हेतु आपके ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। आपके ब्लॉक से सत्यापित होने के बाद ये जिला कल्याण विभाग में भेजा जाएगा, उसके पश्चात यह राज्य सरकार के पास जाएगा, उसके बाद ये केंद्र सरकार के पास जाएगा। और अगर आप इस योजना के लिए एलिजिबल है तो आपका सत्यापन पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद आपके खाते में वह किस्तें डल जाएगी। 1 अप्रैल 2021 तक 8 किस्तें डल चुकी है, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जिन किसानों को अपना स्टेटस देखना है, यानी कि आप उस लिस्ट में हो या नहीं हो, क्योंकि कई बार गलत अकाउंट नंबर वगैरह इन्फॉर्मेशन जाने की वजह से भी
आप इस योजना से वंचित रह सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस विषय पे दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।